भाई आज काव्या के एपिसोड में क्या हुआ मुझसे एक्सपेक्ट मत करना कि मैं पूरी कहानी सही से बता दूंगा। मैं सच में इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया जियो टीवी के ऊपर सोने वालों के ऊपर कि भाई तुम एपिसोड दिखा रहे हो मजाक कर रहे हो। लाइक सीरियसली एपिसोड चल कैसे रहा था मुझे पल्ले ही नहीं पड़ रहा था। 7:30 पे शुरू हुआ, 7:45 से पूरा एपिसोड खत्म। बिल्कुल लास्ट में सीन आ रहा था कि जो आदि है उसको काव्या दिखती है, ठीक है, और वो चाय पीती है उसके कप में से, तो वहां का सीन होता है। फिर उसके बाद जो गिरिराज होता है वो खाना बनाने टाइम जो मजाक चलता है वो सब हो गया। और ये जितनी भी चीजें थी ना ये एंडिंग में थी। मैंने पता कितने बजे देखा, 7:40 पे देखा, 10 मिनट के अंदर पूरा एपिसोड खत्म। और उसके बाद एड पे एड जो जियो टीवी वाले अपने डालते हैं वो एड पे एड आ रही। जस्ट जो एक सीक्वेंस है जिसकी कल फोटो लीक हुई थी सामने, जिसमें आदिराज बिल्कुल हाफ नेकेड है, ठीक है, ऊपर बिल्कुल शर्ट वर्ट कुछ नहीं पहनी हुई है, काव्या सामने खड़ी है, वो सीन जस्ट आया था और बस सांप लोड गया जियो टीवी वालों के उस सीने पर कि कैसे देख रहा है भाई। उसके बाद जो एड आई और उसके बाद जो फ्लो टूटा है ना एपिसोड का, भाई मुझे कहानी अभी तक समझ नहीं आई कि कहां से कहां गई। मैंने एक ही चीज को कम से कम 10 बार देखा। कौन सा शॉट? वही गिरिराज प्रधान और किचन वाला, कम से कम 10 बार देखा। इस पे देखता हूँ वही सेम चीज रिपीट हो रही है, इसमें देखता हूँ वही सेम चीज रिपीट हो रही है, इसमें देखता हूँ वही सेम चीज रिपीट हो रही है। आगे लेके जाता हूँ, मुझे पहले निकल चुका होगा तो आगे लेके जाऊं तो काव्या को जो एंडिंग मोन्टाज होता है वो दिखाई दे रहा है बाबा रिपीट। मतलब क्या हुआ है आज के एपिसोड में, क्या मजाक हुआ है? मुझे पहले ये जवाब चाहिए। मतलब सीरियसली यार, मैं एपिसोड देखने वहां पर बैठा हुआ हूँ बढ़िया अपने आराम के साथ, बढ़िया टेक लगा के बैठा हुआ बैठा हूँ, देख रहा हूँ एपिसोड में क्या हुआ। एपिसोड भाई खत्म नहीं हो रहा, एड आने रही है एपिसोड में, और एड पे एड जियो टीवी वाले फिक फिक के मार रहे, पता नहीं और क्या रीजन है मुझे ये भी नहीं पता। और भाई वो चीज खत्म ही नहीं हुई, एपिसोड पूरा खत्म हो गया, 7:30 से 8 बज गए, बट मुझे पता नहीं चला कि फिर बीच में क्या हुआ। मैंने तभी इतना लेट शुरू किया कि चलो भाई 15-20 मिनट लोग लेते हैं उसको प्रोसेस करने में, फिर उसका पूरा एपिसोड आया। पूरा एपिसोड आने के बाद भी वही वही दिक्कत, मैं पूरा एपिसोड देख ही नहीं पाया। बट कोई नहीं, जितना एपिसोड देखा उसका ही हम रिव्यू करते हैं। तो पहली चीज तो ये, मैंने एक बात कल बोली थी बहुत ही अच्छी और बहुत ही क्लियरली कि भाई जो हमारा जो एक मतलब जो डायरेक्शन, उसके बाद जो हमारा डायलॉग राइटर, उसके बाद जो हमारा सिनेमेटोग्राफर, वो इतनी स्मूथली तरीके से क्रिएटिविटी को अंजाम दे रहे हैं इस शो में कि दिमाग के ना फ्यूज उड़ जाते हैं कई बार। ये अनएक्सपेक्टेड होता है इंडिया में एक नॉर्मल टेलीविजन शो से, अनएक्सपेक्टेड है, क्लियरली अनएक्सपेक्टेड है। और जब वो चीज आती है तो भाई शॉर्ट सर्किट दिमाग में, बड़ा भयंकर वाला। जैसे आज आदि काव्या से बात कर रहा, काव्या आदि से बात कर रही, समझे नहीं समझे मैं बताता हूं क्या कह रहा हूं। काव्य अपने घर में आदि से बात कर रही है और आदि अपने घर में काव्य से बात कर रहा है, और जो ट्रांजिशन हो रहे थे वो ट्रांजिशन सीरियसली मेरे दिमाग के फ्यूज को उड़ा रहे थे। ज्यादा नहीं देखा, 2-3 ट्रांजिशन देखे थे, 4 ट्रांजिशन मैक्सिमम देखे होंगे, जिसमें जब आता है आदि, ठीक है, सॉरी जब काव्य आती है आदि के पास तब, और फिर जब उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हो ही रही होती तभी जस्ट स्विच होते हैं काव्या की तरफ, जिसमें आदि का फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम होता है एज इट इज, जरा सा भी चेंज नहीं होता। फिर काव्या जो बात बोलती है उसका रिप्लाई आदि अपने घर पे दे रहा होता है, और वहां पर भी हम लोग देखते हैं कि मतलब ज्यादा कुछ फेशियल एक्सप्रेशन चेंज नहीं हो रहे आदि के, वैसे के वैसे ही। मतलब यहाँ पे मैं एक बात बोलूंगा भाई, मिशकट मिशकट कट कट, थोड़ा कन्फ्यूजन है तो थोड़ा एडजस्ट कर लें कि टाए के टाए, ठीक है, एडजस्ट कर लें थोड़ा। तो मिस्कर भाई साहब ने आज जो एक्टिंग दिखाई है ना भाई, हैट्स ऑफ है। सुम्बुल के बाद मैं बोलूंगा इस शो में इतना बढ़िया एक्ट करने वाला अगर कोई मुझे
दिखा है तो है मिश्र। सीरियसली भाई, उस बंदे के फेशियल एक्सप्रेशन ट्रांजिशंस में भी चेंज नहीं हो रहे थे। और मैं पता क्यों बोल रहा हूं नहीं हो रहे थे, एक जगह हमारा मिश्कट यहाँ पे है, काव्या यहाँ पर, ऊपर से एंगल लिया गया, ठीक है, अपर शॉट लिया गया, एक जगह मिश्कट यहाँ पर है, सॉरी आदि यहाँ पर है, काव्या यहाँ पर है, और यहाँ से शॉट लिया गया है। देखो यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह पे अगर आप नोटिस करोगे भाई, बंदे के फेशियल एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुए, और डायलॉग मान गए गुरु, सीरियसली मान गए गुरु, कि कल से भी अच्छे डायलॉग्स आज लिखे गए थे इन दोनों की कन्वर्सेशन के बीच में। सच में मतलब भाई डायलॉग राइटर कितना ज्यादा माइंड ब्लोइंग काम कर रहा है, मेरे दिमाग के तो फ्यूज उड़ा दिया भाई इसने। कल मैं इतना ज्यादा इंप्रेस नहीं हुआ था जितना आज इंप्रेस हुआ डायलॉग राइटिंग से, कैमरा एंगल से, और जिस तरीके से ये एक ट्रांजिशन डाला गया ना उससे, मतलब मेरे को समझ ही नहीं आता कि कब हम काव्य के घर से आदि के घर पे आ गए, कब आदि के घर से हम लोग काव्य के घर में आ गए। काफी जगह ऐसा शॉट ऐसा हुआ कि समझ ही नहीं आ रहा। उसके बाद काव्य का आना आदि को परेशान करना, फिर आदि का काव्य को परेशान कर रहा, मतलब भाई एक ही जैसी चीजें चल रही दोनों घरों में, पैरेलल बोल सकता हूं मैं भाई। मतलब क्या सोच के इतनी अच्छी चीज आप, मतलब Not in the form of web series, एक टीवी शो पे निकाल रहे हो, क्या सोच के इसको एक वेब सीरीज के तौर पर निकालते, और इसमें एक रियल इंसिडेंट को अगर ये लोग डालते, ना कि बसंत खेड़े की स्टोरी को जो कि एक इमेजिनेशन में है, अगर कोई रियल स्टोरी डालते ना, ये शो इतना ज्यादा पोटेंशियल रखता है कि ये जितनी भी अभी तक वेब सीरीज आई है ना उनसे अच्छी एक निकल कर आती है, एक बहुत ज्यादा एजुकेशनल वेब सीरीज बनकर निकलती है। इसमें एक पास से रिलेटेड कोई इंसिडेंट हमें बताया गया, वो भी डिटेल के साथ, बहुत बड़ी चीज थी। बट मुझे नहीं पता कि आखिर क्या हुआ, क्या सोच के ये शो सोनी टेलीविजन पे टेलीकास्ट किया जा रहा है। मैं तो बहुत ज्यादा इन सब चीजों को देख के थोड़ा सा निराश हो रहा हूँ, क्योंकि TRP भी ज्यादा अच्छी नहीं है, रिस्पॉन्स भी यूट्यूब पे बोलूँ या फिर बाकी जगहों पर बोलूँ इतना अच्छा नहीं आ रहा, क्योंकि सुंबल के जो फैंस अब तितर बितर हो चुके हैं बिग बॉस की वजह से। तो मुझे थोड़ी बहुत निराशा है कि यार इतनी अच्छी उतनी ज्यादा, मतलब बेस्ट क्वालिटी की चीज इस तरीके से वेस्ट हो रही है। और मैं यहाँ पे सबकी बात करूँ, स्टोरी से लेकर एक्टर्स तक, डायलॉग से लेकर स्क्रीन प्ले तक, स्टोरी से लेकर यहाँ तक जो एडिटर बंदा काम कर रहा है ना, उसके हार्डवर्क, मैं सारे क्रू को इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, इतना बढ़िया काम है। बट रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं मिल रहा TRP के भी, अगर मैं उसको देखूँ तो। बाकी अब देखते हैं कल का एपिसोड भाई हमें कैसे देखने को मिलता है, आज की तरह खिचड़ी पकती है कल के एपिसोड में, या फिर भाई जैसे हमें कल जो निकल गया है उसके तरीके बिल्कुल नॉर्मल अच्छा सा एपिसोड देखने को मिलेगा। बाकी भाई आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा कि जो ट्रांजिशन हुए आज क्या हो, आपको भी पसंद है, और इसी तरीके से काव्या के आने वाले सभी एपिसोड के रिव्यू से जुड़े रहने के लिए और अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट।